हेलो एवरीवन, वेलकम। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, क्या फील करने वाले हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये भी हम देखेंगे उनका अगला कदम क्या होगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे और हमेशा अपने इंट्यूशन का सुने, रीडिंग को एज अ गाइडेंस ले, ओके। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। हमेशा अपने इंट्यूशन का सुने, अपने इंट्यूशन का फॉलो करें। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, क्या फील करने वाले हैं। नथिंग नेक्स्ट, ओके। रिसेप्टिविटी, मैं पहले सारे कार्ड्स निकालना चाहूंगी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जी कुछ ये दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करें आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आएगा उनको, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, क्या एक्शन लें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील करने वाले हैं। आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसकी वजह से क्या एक्शन लें, क्या करें क्या ना करें, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ समझ नहीं आएगा उनको, ऐसा हो सकता है। थंडर बोल्ट का कार्ड मुझे ये बताता है काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, उनका दिमाग में क्या कहें, पूरी हलचल मचने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। दिल कहता है तुरंत आपके पास आ जाएं, तुरंत सब कुछ सही करें, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है आप दोनों के बीच, तो कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे सब कुछ सही किया जाए। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, इनको कुछ समझ नहीं आएगा। रिसेप्टिविटी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील करने वाले हैं, रोमांटिक होने वाले हैं। आपको लव देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, बट कैसे सब कुछ सही करें, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेने वाले हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई थिंक आप दोनों के बीच कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को भड़काते हैं या तो आपको भड़काते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ करते हैं, ऐसा कोई तीसरा है, ठीक है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकता है, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का माइंड वॉश करते हैं, उनको गलत सलाह देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से पूछते हों या किसी से शेयर करते हों आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कि कैसे सब कुछ सही किया जाए। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अब उसके साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ, मैं उसे अपनी वाइफ अपने हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तो कैसे एक्शन लिया जाए यार, कुछ समझ नहीं आता, तो बता क्या करूँ मैं। इस तरह का आई थिंक आपके पार्टनर ना किसी से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है ये जिनसे भी बातें करते हैं, जिनसे भी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर शेयर करते हैं, उनकी तरफ से इनको गलत एडवाइस मिलता है, जिसके वजह से आपके पार्टनर क्या कहना चाहिए इनको, इनको और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। आई थिंक जो भी बंदा या बंदी है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, अति कर रही है, अति कर रहे हैं, ये बहुत गलत है यार। क्योंकि देख रहे हो ना, कोई तो आपके पार्टनर के अपने हैं या आपके भी हो सकते हैं, ये एनर्जी आपके भी हो सकती है कि कोई आपके माइंड वॉश करते हैं, आपको भड़काते हैं, ऐसा हो सकता है। आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है आप वो देखिए, ओके। आपके पार्टनर पर बर्डन हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, काम का काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इन पर। हाँ,
हारमनी फॉर्म। ओके, तो देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है मेरे कई व्यूवर्स को, या इनकी तरफ से कुछ प्रपोजल मिल सकता है, या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने दिल की बातें आपसे शेयर करें, अपने दिल की बातें आपको बताएं, ये क्या फील करते हैं आपके लिए, कितना प्यार करते हैं आपसे, आपको बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको, आपके लिए लव फील करने वाले हैं, आपके साथ अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस रहेंगे कि कैसे सब कुछ सही किया जाए, कैसे सब कुछ सही किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, और इनको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। किसी से सलाह भी ले सकते हैं बट उनकी तरफ से इनको अच्छा सलाह नहीं मिलेगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर किसी से बात करने वाले हैं, या तो ऑलरेडी उन्होंने किसी से कर लिया है बट उनसे अच्छा सलाह इनको नहीं मिला है, यह मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा सलाह देने की बजाय इनका माइंड वॉश उन्होंने किया है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है, जो आप दोनों को, आप दोनों एक हो ये नहीं चाहते। देखिए जो कोई भी है ना इनके रिलेटिव, वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन खुश रहे, वो हैप्पी रहे, क्योंकि इनकी हैप्पी तो आप हो। देख पा रहे होंगे आप लोग इस कार्ड को, ये जो मंकी है इस पर्सन का खुद का है बट क्या कर रहा है इसके साथ आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी में आ रही है। आई थिंक इनको अंदाज़ा लगने वाला है कि कौन आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ है, कौन आप दोनों का अपना है, कौन आप दोनों के लिए सही है, इनको वो अंदाज़ा होगा, मुझे कुछ ऐसा लगता है। या कौन क्या कहता है इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कोई भड़काते हों कि ये कहते हों कि नहीं, वो तेरे लिए सही नहीं है, या तुम्हारा एक होना उसके साथ मैरिज करना ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये आपके साथ कंप्लीशन चाहेंगे, आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर में मैच्योरिटी आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आप दोनों को रिलेशनशिप को लेकर, देखिए मैच्योरिटी का क्या, मैच्योरिटी इन द सेंस उस, वो ये है कि रिलेशनशिप को लेकर, यस हो सकते हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में हम अब तक देखते आए हैं इनके कार्ड में कि इनमें तो उतनी मैच्योरिटी नहीं है जिनमें आप, जितनी आप में होती है ना, हम हमेशा देखते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर मैच्योर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनमें मैच्योरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यस, ये पर्सन हो सकता है जो अब, जो कभी अपने सिर्फ दिमाग से काम लिया करते थे, दिमाग से सुना करते थे, दिमाग से चला करते थे, वो अब अपने दिल का भी सुनने लगेंगे, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखकर आपकी तरफ आते हुए यस मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो अपने दिल और दिमाग को रखकर आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए सोचेंगे कि इनको क्या चाहिए, इनके दिल को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपके लिए भी सोचने वाले हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं आपके लिए भी, क्या आपके लिए भी सोचने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वाओ, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यही दिखाई दे रहा है मुझे कि ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन यस चाहेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप को सही करना, आपको स्टॉक करने वाले हैं, भले इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन ना मिले बट ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या आपको इन्होंने अनब्लॉक ऑलरेडी कर दिया है तो इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज, आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर चाहेंगे सब कुछ सही करना। अपना पूरा वक्त
इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, अपवर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर को ना कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज भी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनके लाइफ में कोई बंदा या बंदी या कोई भी, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर का माइंड वॉश करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा आपको बताया, तो यस, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज होने वाला है। इनको ये लग सकता है कि कैसे सब कुछ सही किया रहे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनको ये लग सकता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। इनको ये लग सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रूड हैं। इनको ये लग सकता है कि आपके बिहेवियर से या किसी भी तरह से इनको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुके हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप नहीं चाहते हो इनको। बट आपकी जो पार्टनर है डेट करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर थोड़े इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, इनमें ईगो है, ऐसा हो सकता है। आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन कुछ अलग हो सकता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज है। अब आप कहेंगे कि कास्ट और रिलेशन अलग है, तब ट्रस्ट इशू कैसा मैम? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई है आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके लाइफ में जो इनका माइंड वॉश करता है, तो कोई ये कह रहा हो उनसे कि अदर रिलेशन में मैरिज करना, अदर कास्ट में मैरिज करना ये सही नहीं है, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है या वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ मुझे लग रहा है, या तो कास्ट रिलेशन को लेकर या अलग कास्ट में अलग रिलेशन में मैरिज करना ये सही नहीं है, इनको इस टाइप का भड़काया जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में भड़काने वाले हैं, या तो ऐसा इनके साथ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है जिसको लेकर आपके पार्टनर थोड़े से वो होंगे कि आपके पार्टनर का ना मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, मुझे कुछ ऐसा एनर्जी इनका दिखाई दे रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट किसी के बातों में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं ये, ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी फीलिंग्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। देखिए, हो सकता है आप ऑलरेडी एक दूसरे के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो यस, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं सब कुछ सही करना चाहेंगे, और अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो सोचेंगे कि कैसे सही किया जाए, कैसे सब कुछ सही किया जाए, कैसे आपके लिए एक्शन लिया जाए, इस रिलेशनशिप के लिए कैसे एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपके साथ इनको कंप्लीशन चाहिए, मैरिज चाहिए, हैप्पी मैरिज लाइफ चाहिए, सबको मना कर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीप फील करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट अपने हालात से मजबूर हैं, ठीक है, अपने हालात से मजबूर हैं, आपके पास आना चाहते हुए भी नहीं आ पाते, कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको मैसेज कॉल किया जाए इसके लिए सोचेंगे, ठीक है, मैसेज या कॉल करने के लिए सोचेंगे, आपसे बात करने के लिए सोचेंगे, बट अपने सिचुएशन में स्टक हैं अभी भी। हो सकता है आपकी लाइफ में, जैसे कि इनके लाइफ में या थर्ड पार्टी जिनको कहते हैं, थर्ड पार्टी कहना चाहिए मुझे, तो वो हैं जिसके वजह से आपके पार्टनर वहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ पर अटके हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके कार्ड्स में आया है, इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं मुझे, बट नेगेटिव ये है कि आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हैं। देखिए, इनकी फीलिंग्स एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ्स देखते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपके साथ ही ये अपना फ्यूचर देखते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, सब कुछ सही करना है इनको, बट जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर ये फंसे हुए हैं। निगेटिव पॉइंट ये है, जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, या ये हो सकता है आप दोनों के बीच काफ़ी दिनों से दूरियाँ हैं, आप दोनों काफ़ी वक्त हो गया आप दोनों को अलग हुए, तो कोई इनको ये भड़का रहा हो कि
काफ़ी दिन हो गया तुम दोनों को अलग हुए, अब इस रिलेशनशिप में वर्क करना सही नहीं है, तुम्हारा उसके पास जाना सही नहीं है, उसने तो मूव ऑन कर लिया है, वो तो अपने लाइफ में बहुत ही खुश है, वो तो किसी और के साथ है, ऐसा उनको ना कुछ तो भड़काया जा रहा है। मुझे ना इनके कार्ड्स में यहाँ पर ऐसा वाइब्स आ रहा है, जो कोई भी इनके लाइफ में है ना, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाक, बिल्कुल भी वो नहीं चाहते आप दोनों एक हो। आपके पार्टनर को ना हर्ट भी हो रहा है पता है उनकी बातों से, बिल्कुल भी उनके बात उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनका भड़काना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं वो, काफ़ी ज़्यादा लेने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट आपके साथ बिल्कुल रीयूनियन चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही खुश होते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं आपके पार्टनर। इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, वैसे एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है, आपके पार्टनर की एनर्जी ही निकल कर आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन इनका मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये अपने दिल का सुनेंगे, ये अपने दिल का सुनेंगे और दिल से फैसला लेंगे। इनका दिल कहता है आपके साथ फैमिली क्रिएट करे, आपके साथ सब कुछ सही करे, तो यस ये पर्सन अपने दिल का सुनेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपके पिक्चर्स देखने वाले हैं, आपको चेक करने वाले हैं सोशल मीडियाज़ पर, आपकी डीपी लास्ट सीन चेक करेंगे, किससे बात कर रहे हो आप, किससे नहीं कर रहे हो, सब कुछ चेक करेंगे, ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिल सकता है कई लोगों को, वैसे मुझे एक्शन का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि आपसे बात करें, सब कुछ सही करें, तो इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने का चांसेस है कई लोगों को, बट मैं श्योर नहीं कह सकते डियर, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड नहीं आया है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ये, तो चांसेस हैं इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने का। तो यही थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप, लव यू अ लॉट, और पॉजिटिव रहें। देखिए रीडिंग में क्या होता है, वही आता है कार्ड्स में निकल कर, जो आप लोगों की एनर्जी होती है, जो आप दोनों की रिलेशनशिप में चल रहा होता है। तो अगर रीडिंग निगेटिव भी हो आती है कभी कभी, तो इससे आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए जो हो रहा है आप लोगों के साथ वही निकल कर आया है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहें, आपको इससे निगेटिव नहीं होना है कि नहीं हमारे बीच सब कुछ सही नहीं होगा, वो मेरे लिए एक्शन नहीं लेगा, नो ऐसा आपको नहीं होना है, आपको हमेशा होपफुल बने रहना है कि हाँ हमारे बीच सब कुछ सही होगा, हम एक होंगे, मुझे भरोसा है मेरे प्यार पर, मुझे भरोसा है मेरे भगवान पर, मेरे ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, आपकी एनर्जी ये होना चाहिए। ओके, मैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज निकालना चाहूँगी, यस मैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज निकालना चाहूँगी, मुझे लगा कि साईं बाबा आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओम साईं राम जरूर लिखें, ओके कमेंट्स बॉक्स में, मेरे साईं बाबा आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो देखिए आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है, आपकी लव लाइफ में कुछ अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए है, नो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये वक्त हमेशा के लिए ठहरने वाला नहीं है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, पढ़ रहे हो ना, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है, तो अच्छे अध्याय का आना निश्चित है, तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, होप कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा होपफुल रहना है। सेकंड मैसेज है ज़रूरतमंदों की सहायता, तो सेवा और परोपकार यही आत्म उद्धार का निश्चित मार्ग है, तो दूसरों की हेल्प कीजिए, आप अपने आसपास देखिए किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनकी सहायता कीजिए,
ओके शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। इस सिचुएशन से अपने रिलेशनशिप से खुश सीखिए। यह रिलेशनशिप यह सिचुएशन आपको कुछ लेसन दे रहा है, इससे खुश सीखिए। और आपको कभी भी ठहरना नहीं है अपने लाइफ में, हमेशा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, कभी भी होपलेस नहीं होना है। आपको खुद को हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा आगे बढ़ना है आपको अपने लाइफ में। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो देखिए जो आज आपके लाइफ में पीड़ा हो रही है, आपको जो पेन मिल रहा है, इसी से तो आप और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं फ्यूचर में। आप इतने स्ट्रांग बनेंगे कि आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, न कर सकती है। इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी आप बनने वाले हो। तो गाइस यही थी आज की हमारी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। ओके, लव यू अ लॉट।